अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज़ में मोहम्मद उसामा गाजी, वक्त है हेडलाइंस का। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, कराची में बूंदाबांदी, कई इलाकों में आज बादल बरसेंगे। पीपल्स पार्टी और इतिहादी जमातें 21वीं और 22वीं तरमीम लाने पर मुत्तफिक। 22वीं तरमीम के तहत दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। यूसुफ रजा गिलानी के इकदामात को भी कानूनी तहफ्फुज़ देने का फैसला। पंजाब में एमरजेंसी सर्विस बहाल होने के बाद यंग डॉक्टरों ने काम शुरू कर दिया। आउटडोर और इनडोर में बदस्तूर हड़ताल। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के एमपीए के इस्तकबालिये के दौरान फायरिंग से एक शख्स जान बहक। अब्दुल कादिर गिलानी के जलसे में भी कारकुनों की जबरदस्त हवाई फायरिंग। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। नेटो सप्लाई बहाल होते ही शुमाली वजीरिस्तान में एक घंटे के दौरान दो ड्रोन हमले, 21 अफराद हलाक। वजीर खारजा हिना रबानी खार ने कहा है कि ड्रोन हमलों पर अमरीकी मौकफ से इख्तलाफ है। तुर्बत के करीब ईरान जाने वाली बस पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 18 अफराद जान बहक। सदर जरदारी और वजीर आजम ने रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी को इंसदाद पोलियो सेलिब्रिटी चैंपियन मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। अमरीकी बर्बरियत की एक और मिसाल, हेलीकॉप्टर का पायलट एक शख्स पर रॉकेट दागते हुए गाना गाता रहा। और हॉलीवुड फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन ने रिलीज के पहले दो दिन 5 करोड़ 83 लाख डॉलर का बिजनेस कर लिया।